मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। अब इस गेम का नाम है अवार्ड गोज टू। हाँ, अवार्ड गोज टू अवार्ड, अवार्ड गोज टू। हाँ जी, कोयल सी अवार्ड, कोयल सी आवाज, कोयल सी आवाज। अच्छा, इट कैन बी एनीबॉडी या पाकिस्तानी करना है जो आपको लगे। एनीबॉडी सर, मैं तो पूरी दुनिया। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, कोयल सी आवाज। ठीक है जी, बेताल पर खुश शक्ल। बहुत सारे हैं, बेताल हैं, लेकिन हैज टू बी अ फेमस पर्सनालिटी, समवन, समवन, एनीबॉडी जिसको आप कहते हो कि हाँ यार ये ऐसा है। नहीं, और नाम कैसे ले सकते हैं ऐसे ही सब लगते हैं। हां, मुंह से ले ऐसे बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे नाम ले सकते हैं आप। नहीं नहीं, बहुत सारे। शुरू में भाई ने भी एक नाम लिया था। नहीं नहीं नहीं, मगर ये कि हां है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। आप तो नाम ले सकते हैं यार, आप तो बोल सकते हैं किसी को यार, आप आपकी ताल का कोई सीन। मानी, मानी भैया, हां ठीक है, सही है। अगर आप देखिए, आपने कहा बिल्कुल नहीं नहीं, बस मैं जानता हूं ना। हां, ओके, डन है, ठीक है। ये बताइए, छोटा पैकेट बड़ा पटाखा, छोटा पैकेट बड़ा पटाखा, ये अवार्ड किसको जाएगा? यार मैं माया को कहता था एक जमाने में, माया खान, माया खान को छोटा पैकेट बड़ा दबा के। हां, ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है जी। धीमा लहजा लेकिन ताल बेकमाल। ना, ताल बेकमाल, मुझे मायरा खान इसके अंदर कोई, आई थिंक धीमा लहजा और बड़ा आपका मूड अच्छा कर दे। किसकी आवाज है ऐसी? आवाज, अच्छा आवाज, मैं कौन चेक कर आवाज भाई, अच्छा आवाज, आवाज अवार्ड दे रहे हैं भैया। हां, सजाद अली की यार, सजाद यार, मजा आ जाता। वेरी गुड, कव्वे जैसी आवाज। अल्लाह, ये पतवाएगा आपको। जब गाए तो गाए 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 गाए। कौन है, कौन है आपके यार? ये कव्वा ही है वैसे। शाजिया खुश कहते हैं, शाजिया खुश। वो जब गाती है तो आप खुश हो जाते हैं। नहीं, वो खुद भी खुश होती है उस वक्त। ये बताए ना, ये सिंगर से ज्यादा कंपोजर अच्छे हैं। हाँ, कौन? वकार अली भाई। वकार अली भाई, वेरी गुड। ऐसा सिंगर जो आप कहें यार ये अगर एक्टिंग करे तो ये हम सब में से अच्छा होगा। ओहो, ऐसा सिंगर। हाँ, क्योंकि एक्टिंग करे तो आप बोले यार ये तो, ये टाइट कर जाएगा, ये निकल जाएगा लड़का। अच्छा। ये निकल जाएगा भाई। अच्छा जी, एक एक्टर जो सिंगर, सिंगर जो एक्टर, सिंगर जो एक्टर। आओ, ये जिन्होंने नहीं भी किया, देखे ना, मेरे हिसाब से अभी आतिफ ने भी कर ली, थास के ऊपर अली जफर ने भी कर ली। मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं भी की, नहीं भी की, नहीं भी की। आपको लगता है कि किसी को करनी चाहिए? शफकत भाई ऐसे कमाल के विलन बन सकते हैं। सजाद भाई ने की है? नहीं, सजाद भाई ने तो फिल्म की है ना, वही तो फिल्म की है ना। यस, चीफ साहब। हाँ, आई थिंक राहत के ऊपर हम अपना राहत पैसा लगा सकते हैं। राहत फतेह अली को, हाँ, उन पे बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा, बहुत पैसा लगेगा। अगर आपको एक्टिंग करानी है ना, वही है, उन पे बहुत पैसा लगना। मुझे लगता है कि कर लेंगे, रीमैप करना पड़ेगा। राहत को आज ही करना चाहिए, वो इंडियन मिनिस्टर नहीं होते, वो बनना चाहिए। किसको? उनको आना, मंत्री, 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 मंत्री जी, मंत्री जी, हाँ, करप्ट मंत्री जी। अच्छा जी, एक बेहतरीन कवाल, करप्ट मंत्री जी आना। वो व्हाइट गाड़ी से उतरते हैं ना, वैसे ही लगते हैं रात भी। सर, मुझे नुसरत फतेह से बड़ा कमाल और सिंगर मुझे नहीं समझ में आता कोई है। वाह, नहीं सकता। आजकल का जमाना तो, आजकल के जमाने में तो कवाली का वो मुझे इतने लोगों का नाम भी नहीं पता कि कौन है, बट नुसरत फतेह वाज समबडी। ठीक है, अगले अवार्ड का नाम है, इसे सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए अवार्ड। ये कौन है भाईजान? ने ये जो शो है ना, ये मुझे बता दिया किस दिन होने है, बता दूंगा सबको, ये ताकि मैं घर के दरवाजा बंद कर लूं। उस दिन नहीं आ रहा। हां, नहीं बताएं कौन, किसको छोड़ देनी चाहिए? इसमें कोई कोई वो बुराई नहीं है और बहुत बुराई वाली क्या बुराई क्या है? क्योंकि ये भाई, आप इस मकाम आपको पता है, आपको आपको पता है, ये जो फेस, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है जी जी, ये सिर्फ वही पर्टिकुलर जुमला जो है ना, ये रिपीट पे रहता है। और मैं, अरे भाई जान, मैं तो फंस गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं एक और जगह शो में बैठा था, बोल दिया था, मुख्तसर एक बात निकल आई थी, वो पूरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे घुमा घुमा बड़ा जुमले में ये बात बोल दी, पता ही ना चले। और उसका फोन भी आ गया। मैं किसी की बुराई नहीं की थी, बट मैंने ये बोला था कि इसको ये कर लेना चाहिए। तो उसने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल यू नो डिफॉल्टर निकले, तुम तो बड़ा अच्छा, तुम तो बड़ा अच्छा कहते थे। मैंने कहा भाई तुम पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन तो सुनो, कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आई थिंक किसी को आप कहें कि आपने अभी क्या सवाल किया था, कि इसको सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए। हसन भाई को अब नहीं गाना चाहिए, आई थिंक टाइम हो गया है, बहुत ठीक है।